तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को देखोगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन में कि 3t इज इक्वल टू √3x+6 दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पार्टिकल इन वन डाई वेयर एक्स इज मीटर टी डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो जब वेलोसिटी जीरो हुई। तो सबसे पहले तो तुम्हें वेलोसिटी पता ही नहीं है, और जब वेलोसिटी पता चल जाएगा, जब हमें ये बात पता चल जाएगा कि व्हेन वेलोसिटी इज जीरो उस वक्त समय कितना होगा, तो उस टाइम को इसमें रख दोगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चल क्या? तो सबसे पहले वेलोसिटी पता करो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3x इज इक्वल टू 3t-6। इसका मतलब ये हुआ ये रूट के अंदर है, तो इसका दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 3x इज इक्वल टू यहाँ से 3t-6 का होल का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9t² और +36 और -18, तो 20 18 दूना 36, ठीक है, 36 t 36 t, दैट इज 3x। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से 3t का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ से 12 और माइनस ये 12t, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इतना है, आप बिना ब्रेकेट कर किए भी डेरिवेटिव कर सकते थे चेन रूल लगा के, लेकिन मेडिकल वाले हैं तो मैं ऐसे कर देता हूँ। तो dx/dt वेलोसिटी पता चल जाए तो वेलोसिटी भी की वैल्यू आ जाएगी कितना, 6t और -12, दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब वेलोसिटी जीरो हुई होगी उस वक्त टाइम कितना होगा, तो चलो वेलोसिटी जीरो रख देते हैं, तो 6t-12 मतलब 12 = 6t, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड। तो अगर आप देखोगे यहाँ से 2 सेकेंड बाद जो है वेलोसिटी जीरो हुई है, तो अगर 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी जीरो हुई है तो 2 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये तुम्हें जानना है। तो एक काम करते हैं, टाइम की वैल्यू यहाँ डिस्प्लेसमेंट वाले इक्वेशन में रख देते हैं, आप किसी में भी रख दो, चाहे आप इसमें रख दो और चाहे आप इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। तो अब मैं इसमें रख देता हूँ, इस वाले में पुट पुट कर देता हूँ टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर मैं 2 सेकेंड रखता हूँ तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 6-6 का होल स्क्वायर मतलब डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, ठीक है ना। आप इसमें भी रख दोगे तभी भी डिस्प्लेसमेंट जीरो ही आएगा, करके देख लो यहाँ। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 और यहाँ से 4 और +12 और -12 × 2, तो यहाँ से 12 और +12 और -24 मतलब 24 - 20, तो आप किसी में भी रख दो, 2 सेकेंड बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो ही दिखेगा, ठीक है ना। तो फाइनली इसका जो सलूशन है बच्चों वो जीरो है, डी ऑप्शन सही है।